हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन अनुभाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इस चैप्टर का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने स्टॉप किया था, एक जो भी आपका कंसेप्ट था, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा था, जो भी आपके स्टेप्स इन्वॉल्व थे इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे और देखा था कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरीके से ट्रांसफ़र करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लासेस में कवर कर ली थी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपके लैटिस एंथैल्पी को और साथ ही साथ लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। मतलब अगर आपको एंट्रेंस में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैटिस एंथैल्पी को। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जो एंथैल्पी है क्या वही एनर्जी है? तो आपको याद रखना है कि एंथैल्पी का ही मीनिंग एनर्जी होता है, ठीक है। तो आप इस लैटिस एंथैल्पी को लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि लैटिस, तो लैटिस मतलब होता है आपका सॉलिड, ठीक है, और एंथैल्पी का मतलब होता है आपकी एनर्जी। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो पहले मैं सेंटेंस लिखती हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इंटू गैशियस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। चलिए अब हम लोग समझते हैं। कहना मुझे ये है कि आपको जितनी भी एनर्जी लगती है ना एक मोल सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए, ये मैं आपको रिप्रेजेंट करवा के दिखा रही हूँ। सॉलिड आयोनिक कंपाउंड अगर आप कोई भी लेते हो, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड अगर आपने दिया है और उस सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को अगर आपको गैसेस कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट करने का है ना, गैसेस कंपोनेंट, तो जो भी एनर्जी आपको लगती है ना वो रहती है आपकी लैटिस एनर्जी। तो अगर आप कहीं पर भी लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन देते हो या उसका एक्सप्लेनेशन देते हो तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको रिप्रेजेंटेशन भी देना है। तो जितनी भी एनर्जी मुझे लगती है कन्वर्ट करने के लिए वन मोल सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को इंटू गैसेस कंपोनेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं पेपर्स में, ठीक है, तो देखेंगे उसको। जो भी आपकी लैटिस एंथैल्पी होती है वो हम लोग को एक कोरिलेशन दिखाती है। बुक में खूब लंबा चौड़ा दे रखा है, हमें इतना लंबा चौड़ा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस को करने का है ना, कोई भी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हो, है ना, तो आपको खूब लंबे चौड़ी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे लॉजिक यूज़ करना है। अगर आप लॉजिक यूज़ करते हो तो आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको लैटिस एनर्जी का पहले लॉजिक बताती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो जो भी आपकी लैटिस एनर्जी होती है ना, लैटिस एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन कटायन को, चार्ज ऑन कटायन। अगर आपको कटायन नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस वाला क्लास देख सकते हो, मैंने इसमें बताया है। कटायन का मतलब होता है जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम लोग कटायन बोलते हैं। तो आपका लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कटायन को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन को। ये रिलेशन आपका वैलिड रहेगा अगर आपके अनायन कैसे सेम, इफ अनायन आर सेम। अगर आपके अनायन सेम आ जाते हैं, अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, ये चीज तो अप्लाई होने के बाद ही समझ में आएगी। तो बस आपको एक ही रिलेशन याद रखना है कि जो भी आपकी लैटिस एनर्जी होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कटायन के चार्ज को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज को कटायन की। चलिए देखेंगे। अगर आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया है, एग्जांपल को करने से पहले आपका मुझे बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता है तो आपको एग्जांपल्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक और फिर साइड में करेंगे क्वेश्चंस को। तो कहना मुझे ये है, अगर मुझे कहीं पे ऐसा कुछ आ जाए ए बी वन, ये बेसिक आपको हर जगह पे काम में आएगा। अगर आपको ऐसा आ जाए ए बी टू, या फिर आपको आ जाए ए बी थ्री, या फिर आपको आ जाए ए बी फोर, या फिर आपको आ जाए ए बी फाइव, मैं हर टाइप की पॉसिबिलिटी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या जाना पता है, मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये जो ए है, मुझे अगर पूछा जाए कि बताओ इस ए का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, हर जगह पे आपको इस ए का ऑक्सीडेशन स्टेट बताने का है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो ये जो एक ए है ये कितने बी से अटैच है, वन बी से, इसलिए इस ए का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, प्लस वन। तो आपको, अगर आप मेरा ये वाला क्लास करते हो ना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास सबसे अच्छा क्लास है, आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री के, वो आपको हर जगह हेल्प करेंगे, ट्वेल्थ में भी, इलेवेंथ में भी, हर जगह पे। ये ए एक बी से अटैच है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आया, प्लस वन। ये ए दो बी से अटैच है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस टू। ये ए तीन बी के साथ अटैच है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस थ्री। ये ए फोर बी से अटैच है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, प्लस फोर। ये ए फाइव बी से अटैच है, इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, प्लस फाइव। तो अगर आपको लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको चार्ज आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर चार्ज ही नहीं आएगा तो कहाँ से करेंगे हम लोग, है ना। देखते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूँ NaCl, ठीक है, और मैंने आपको दिया है MgCl2, और मैंने आपको दिया है AlCl थ्री टाइम्स, ठीक है। अब मुझे लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट बताने का है, देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले आप देख लो कि सारे केसेस में आपके अनायन सेम है, है ना। अनायन आपके कैसे सेम, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन है, मतलब आपके अनायन है सेम। अब देखो इधर, ये जो सोडियम है कितने क्लोरीन से अटैच है, कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है, आपको मान के चलना है, ठीक है। कुछ नहीं है इसका मतलब वन है, एक क्लोरीन से अटैच है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस वन। ये Mg कितने क्लोरीन के साथ अटैच है, दो, इसलिए इसके ऊपर चार्ज रहेगा, प्लस टू। ये एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन से अटैच है, थ्री, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, प्लस थ्री। बिल्कुल ये वाले फंडे के हिसाब से हम लोगों ने इसको निकाला। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताने का है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, तो जो भी आपकी लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन कटायन को। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन, है ना। मतलब अगर कटायन का चार्ज रहेगा ज़्यादा तो आपकी लैटिस एनर्जी भी कैसी रहेंगी, ज़्यादा। यहाँ पे आपके कटायन का चार्ज है प्लस वन, यहाँ पे है प्लस टू, यहाँ पे है प्लस थ्री, यहाँ पे आपके कटायन का चार्ज है सबसे ज़्यादा, मतलब इसकी लैटिस एनर्जी भी कैसी रहेंगी, सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले रहेंगी AlCl3 की, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है प्लस थ्री। फिर उसके बाद रहेंगी MgCl2 की, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है प्लस टू। और उसके बाद में रहेंगी NaCl की, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है प्लस वन। तो ये रहा आपका पहला एग्जांपल, समझ में आ गया ना। तो ये हम लोगों ने इसका ऑर्डर देखा, जितना चार्ज ज़्यादा उतनी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा, बट चार्ज निकालते आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अगर मुझे नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस टाइप से आ जाए, सपोज़ अगर मुझे ऐसा पूछा जाए, ली ना ने की रब से फरियाद, ठीक है, ये आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है। अगर आपको ये वाला ट्रिक नहीं आता है तो आप मेरा पीरियोडिक टेबल का बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को याद रखने का आपको ट्रिक बताया है। तो आप वहाँ से मेरा ट्रिक देख लो ये वाला, अगर आपको नहीं आता है तो। तो ये है आपका ली ना करे रब से फरियाद। दूसरा है आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी,
ठीक है, ये है आपके ग्रुप वन के एलिमेंट्स, ये है आपके ग्रुप टू के एलिमेंट्स, ये सारी इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दी है। अब मुझे एक बात जो पता होनी चाहिए ना, वो ये है कि नीचे जाने से आपका जो साइज़ है ना, नीचे जाने से आपका साइज़ बढ़ता है। जिसको ये चीज़ नहीं समझती है वो लोग बस इतना समझ लो कि सीधा ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल, तो सीधे ट्रायंगल को अगर आप देखते हो तो अगर आपको सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसका मतलब आपका नीचे जाने से साइज़ क्या हो रहा है, आपका नीचे जाने से साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ इंक्रीज हो रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं टॉप टू बॉटम आती हूँ इन अ पीरियोडिक टेबल, ऊपर से नीचे आती हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो मुझे सीधा ट्रायंगल मिलता है, सीधा ट्रायंगल। सीधा ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि नीचे जाने से आपका जो साइज़ है ना वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो नीचे जाने से साइज़ इंक्रीज होता है, सीधा ट्रायंगल। ठीक है, देखते इसको। अगर मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे दूँ, LIF, NAF, KF, ठीक है, और मुझे पूछा जाए कि बताओ इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके तीनों केसेस में अनायन कैसे है सेम, तीनों केसेस में आपके फ्लोरीन है सेम, तो आपके अनायन कैसे है सेम। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या जाना, ये LI एक ही फ्लोरीन से अटैच है, ये भी एक ही फ्लोरीन से अटैच है, ये भी एक ही फ्लोरीन से अटैच है। अगर मैं इसका चार्ज देने गई तो इस ये एक फ्लोरीन से अटैच है तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा प्लस वन, ये भी एक फ्लोरीन से अटैच है तो इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा प्लस वन, उस फंडे के अकॉर्डिंग ये भी एक फ्लोरीन से अटैच है तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना रहेगा प्लस वन। अगर चार्ज आता है सेम तो आप देखोगे उसके आगे का जो भी आपके लैटिस एनर्जी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन को। इसी का मतलब ये हुआ कि अगर साइज ऑफ कटायन रहेगा ज़्यादा तो आपकी लैटिस एनर्जी कैसे रहेंगी, कम, क्योंकि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन। ठीक है, अब देखो इधर अगर आप ध्यान देते हो तो ये है आपका ली जिसका साइज कैसा है, छोटा ना, जिसका साइज कैसा है, बड़ा, करे जिसका साइज कैसा है, और बड़ा है ना, ली ना करे, ली ना करे, नीचे जाने से साइज बढ़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसका साइज सबसे छोटा रहेगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, इसका साइज है सबसे छोटा तो इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये बीच में वाले का और सबसे लास्ट में इसका, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपके आयोनिक बॉन्ड का टॉपिक होता है ओवर, अब हम लोग देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड को। सो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, अब देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड को। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ उसका डेफिनेशन, फिर हम लोग समझेंगे इसको। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। चलिए देखते, सबसे पहली चीज ये है, अगर सपोज मैं ऐसा बोलती हूँ, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, देखो अगर आपको याद होगा तो आपने मेरे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था एक चीज़, मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड जो होता है एक तो वो आयोनिक भी हो सकता है, एक तो वो कोवलेंट भी हो सकता है, लेकिन वो फॉर्म कैसे होता है, एक तो बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तीन वैसे फॉर्म हो सकता है। अब देखते आगे,
मैंने यहाँ पे ये देखा, एक ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किसके बीच में हो रहा है, इन बिटवीन द एटम्स। मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, वो एटम्स के बीच में हो रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में, इस कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। देखेंगे कैसे शेयरिंग होता है, हमें वो तो नहीं बताना, तो अब हम लोग देखते हैं। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ ये है एक एटम ए, ये है एक एटम बी। हम लोगों ने लास्ट वाले क्लासेस में लॉस और गेन को तो देखा था, बट शेयरिंग को नहीं देखा था। अब शेयरिंग को इस कंसेप्ट के अंदर में देखते हैं। सपोज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसको बोलेगा कि मेरे पास भी एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है। तो हम दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते और एक बॉन्ड को फॉर्म करते। देखना ज़रा ध्यान से, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका ए एटम, ये है आपका बी एटम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये वाला जो ऊपर वाला है वो ए वाले का इलेक्ट्रॉन है जो ए ने बी के साथ शेयर किया है। नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपके बी का इलेक्ट्रॉन जो बी ने ए के साथ शेयर किया है, जिसके वजह से ये है आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है आपका ए का अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, ये है आपके बी का अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी बॉन्ड आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, अब ये है आपका ए, ये है आपका बी, इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये जो आपका बॉन्ड है ना, ये जो भी आपका बॉन्ड है ये फॉर्म हुआ है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। और ऐसा बॉन्ड जो आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गया ना, क्योंकि लॉस गेन का तो आपको पता है, बट अब आपको शेयरिंग का समझा। ये वाला अपना इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला अपना इसके साथ शेयर करेगा, इस तरीके से ये रहेंगे आपके शेयर। और शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो ऐसे एटम्स के बीच में फॉर्म होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा होता है, छोटा। ये भी हम लोग को एज फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे के मॉलिक्यूल्स बेस्ट तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो फॉर्म होता है बिटवीन द एटम्स हैविंग वेरी स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स having very small difference in electronegativity. अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसे कौन से एटम्स है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स। जो भी आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना इन द मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स, जो भी आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग स्टडी करते हैं बाय लुईस थ्योरी, या फिर हम लोग कह सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर। जो भी आपके लुईस जो थे, उन्होंने हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बताए अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के, जिससे हम लोग उनके कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में, उनको मैं लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टडी करती हूँ। इस चैप्टर में मुझे स्टडी करना है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग्स, इन सिंगल बॉन्ड्स जो कि आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और आप स्टडी करोगे इन मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है।
तो आपके सिंगल बॉन्ड्स के मॉलिक्यूल कौन से रहेंगे उसकी भी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं, और आपके मल्टीपल बॉन्ड के कौन से मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसकी भी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोगों को लिस्ट का आइडिया मिल जाए तो हम लोगों को पढ़ना काफ़ी ईजी लगेगा, और उससे भी ईजी आपको इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने वाली हूँ। आपको एक ऐसी चीज़ दूंगी आज जो आपको अभी नहीं हमेशा काम में आएगी, ठीक है, इसे देखते रहना। तो इन सिंगल मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे जैसे कि CCl4 का फॉर्मेशन, H2O का फॉर्मेशन, Cl2 का फॉर्मेशन, H2 का फॉर्मेशन। इन मल्टीपल बॉन्डिंग में आप देखोगे N2 का फॉर्मेशन, एसिटिलीन का फॉर्मेशन, इसी को हम लोग C2H2 भी बोलते हैं, C2H2। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, वो रहेगा आपका CO2 का फॉर्मेशन। तो इतने चीज़ें हम लोगों को स्टेट बोर्ड के बुक में स्टडी करना है। अगर आप इतनी चीज़ों की स्टडी कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देती हूँ उसके बाद आप कोई भी मॉलिक्यूल अपने मन से बना सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को अब एक चीज़ बताने वाली हूँ, एक ट्रिक टाइप का ही समझ लो, जो आपके बुक में तो नहीं दिया है लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि हमें यहाँ पे जो काम है ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने ये जाना कि जो भी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सपोज अगर मैं ले रही हूँ बैंगन, देखना इधर, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये ट्रिक मैंने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में भी आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार मेरा पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि आज नहीं तो कल देखना ही पड़ेगा, काम तो वो आएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम, या तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। इसमें आपके कितने होंगे वो सब हम देखेंगे। उसके बाद आता है आपका कासी गए टीन लेने, कासी गए टीन लेने, ये रहता है आपका सेकेंड वाला ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन लीड। ये पता चल गया ना, यही वो ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पता चल गया ना, ये तो कुछ भी नहीं, वो तो आप आसानी से कर लोगे क्योंकि बुक में ये नहीं दिया है जो देना चाहिए था। उसके बाद में आएगा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। उसके बाद में आपका आएगा ओ स से टे पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओ स से टे पो। उसके बाद में आपका आएगा फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटाइन, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद में आपका आएगा आर कर जे र, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, नेहा, अरीना, करीना का ज़ेरॉक्स रंगीन, ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। इसके ऊपर आता है हेलियम। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे निकालने का है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अगर मुझे नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए ना तो मेरा काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो जितने भी आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। अब देखो मैं आपका कन्फ्यूजन कैसे दूर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, आप जो बी ड्रॉ करते हो, मुझे बताओ जब आप बी ड्रॉ करते हो तो बी में आप एक लंबी लाइन ड्रॉ करते हो और आप इसके अंदर 3 निकालते हो, सबको दिख रहा है ये 3, तो बी के अंदर में आपको 3 छुपा हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। बी के अंदर में बैंगन या बोरॉन के अंदर में आपको 3 दिख रहा है, इसका मतलब आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन फैमिली में कितने रहेंगे, 3, क्योंकि आपको बैंगन के अंदर में 3 दिखता है, मतलब इस बोरॉन के अंदर में 3 दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये तो सभी को आता है गिनते। काम की चीज़ जो थी ना वो ये है कि बोरॉन में दिखता है आपको 3, इसलिए बोरॉन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 3।
अब देखेंगे डॉट को। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर में है आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके आजू बाजू में डॉट भी कितने रहेंगे? 3। तो ड्रॉ करेंगे 3 डॉट को, ठीक है। इसके नीचे में सारे एलिमेंट जितने भी आएंगे उन सब में भी कितने डॉट रहेंगे? 3। करो 3 डॉट, यहाँ पे भी 3। आ जाओ इधर, यहाँ पे कार्बन फैमिली में आपके कितने डॉट आएंगे? 4, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4। ड्रॉ करो 4। बस इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करते रहो, जैसी आपकी मर्जी, आपको जिधर भी करना है आप उधर भी कर सकते हो, बट आपको 4 ही डॉट ड्रॉ करने के हैं। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा आपको। अब आ जाओ नाइट्रोजन फैमिली में, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसका मतलब आप यहाँ पे 5 डॉट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, करते चलो। आ जाओ ऑक्सीजन फैमिली पे, ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 6। इसका मतलब आप यहाँ पे 6 डॉट्स को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी सब में भी कर लेना वैसे। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें फ्लोरीन के फैमिली में आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। इसका मतलब आप यहाँ पे कितने डॉट ड्रॉ करेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6, 7, बाकी सब में भी हो जाएंगे। आ जाओ इधर, लास्ट आपके नोबल गैस के फैमिली में 18 ग्रुप एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? 8। इसका मतलब हम लोग डॉट भी कितने ड्रॉ करेंगे? 8। करो ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ क्या, ये चीज़ जो है ना, ये मैं आपको एक प्रेशियस चीज़ दे रही हूँ, जो सबसे काम की चीज़ है। ये डॉट अगर पता चल गए तो आप आराम से निकाल सकते, बट डॉट याद नहीं रखने का है, आप बस इतना समझ लो, बोरॉन में 3 दिखता है तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8, जितने रहेंगे उतने डॉट ड्रॉ कर देना, काम ख़त्म। पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते एग्जांपल्स को। चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स को, ये तो हम लोगों ने देख लिया। जिनको ये समझ गया ना, मॉलिक्यूल्स उनके लिए चुटकियों का खेल है, वो लोग एकदम आसानी के साथ अब मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो मेन जड़ थी ना उसी को क्लियर कर दिया है, जो बुक में है ही नहीं। अब देखते हैं आगे, याद कैसे रखना है, बी को ड्रॉ करते वक्त आप 3 निकालते हो ना, इसका मतलब बी के अंदर में 3 से चालू कर देने के। चलो आ जाओ इधर, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल्स तो एक एक मिनट में निकलेंगे से आपके। सबसे पहले अपन को निकालने का है H2 मॉलिक्यूल। चलो देखो पटाख से H2 मॉलिक्यूल, अगर मैं देखती हूँ हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के अंदर में मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1। एक हाइड्रोजन के पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास में उसका इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, देखो कैसा होगा। ये है आपका पहला हाइड्रोजन, ये है आपका दूसरा हाइड्रोजन, एक मिनट, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को बोलेगा, भाई मेरे पास भी है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो चलो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इसका मतलब चलो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये है आपका वो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, ये है आपका वो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से आपका जो है ना वो फॉर्म हो गया H2 मॉलिक्यूल। कुछ भी नहीं था, एक हाइड्रोजन के पास था एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास था दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर ली? फ्रेंडशिप, और क्या फॉर्म किया? कोवलेंट बॉन्ड। समझ गया ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, अगर सपोज मुझे दिया जाए, आप इस चीज़ को H2 ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे आगे, अगर आपको मैंने बोला है बताओ क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे होगा, तो देखो इधर आपको क्लोरीन का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखने का है, ये है आपका पहला क्लोरीन, ये है आपका दूसरा क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो आपका क्लोरीन है इस फ्लोरीन के नीचे आता है, फिर कल बाहर आई आंटी
फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये जो क्लोरीन है इसके अंदर में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका मतलब आपको इसके अंदर में डॉट भी कितने निकालने के? 7। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7। आ जाओ इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना ध्यान से, इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को बोला, भाई मेरे पास भी है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो चल अपन दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? फ्रेंडशिप। इसका मतलब चलो अपन दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो कैसे होगा, ये है आपका एक क्लोरीन, ये है आपका दूसरा क्लोरीन, दोनों ने एक दूसरे के साथ में क्या किया है? फ्रेंडशिप, मतलब ही बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे कितने थे? 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने थे? 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। और इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये हुआ आपका क्लोरीन क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ले लो पहले स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं पानी के मॉलिक्यूल को। अभी तक आप लोग सिर्फ पानी पीते आए हो, अब हम लोग पानी के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। आप जिस पानी को घर में पीते हो, घर में मतलब कहीं पे भी पीते हो, आपने उस पानी का कभी स्ट्रक्चर देखा है कि कैसे दिखता है? तो नहीं देखा है तो आज हम लोग उस पानी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि इसके अंदर में मुझे दिख रहा है एक ऑक्सीजन और दो क्या दिख रहे हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे देखना है ओ स से टेपो, ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। मतलब मुझे कितने डॉट ड्रॉ करने के? 6, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे है आपके दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इधर भी एक डॉट, इधर भी एक डॉट। अब देखना ध्यान से, ये ऑक्सीजन बोलेगा, भाई मेरे पास भी एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है और तेरे पास भी एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, चल हम दोनों एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते। ये वाला ऑक्सीजन इसको बोलेगा, भाई मेरे पास भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, चल अपन दोनों भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते। तो अगर मुझे यहाँ पे बॉन्ड को फॉर्म करने का है तो मैं कैसे फॉर्म करूँगी? देखो, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये भी है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर कितने डॉट थे? 6, 1 2 3 4 5 6। एक डॉट ये हाइड्रोजन ने अपना दिया, एक डॉट ये हाइड्रोजन ने अपना दिया। तो ये बन गया आपके पानी का यानी कि H2O का लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं आगे। अगर मैं आपका स्टडी कर रही हूँ 4 टाइप का मॉलिक्यूल जिसका नाम है CCl4। मस्त लगा ना ये पढ़ने में, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, अगर इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े तो। अब मैं देखती हूँ इस CCl4 को। तो इस CCl4 में मैंने ये जाना कि इसके अंदर में है आपका एक कार्बन और 4 क्या है? क्लोरीन। ड्रॉ करो 4 क्लोरीन को, ठीक है। अब देखेंगे कार्बन के अंदर में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। अब देखेंगे क्लोरीन को, फिर कल बाहर आई आंटी, कितने होते? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे कर दो 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा क्या होने वाला है। ये कार्बन बोलेगा, भाई मेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक है, चल अपन दोनों बॉन्ड कर लेते हैं फॉर्म। ये कार्बन बोलेगा, भाई मेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक है, चल हम दोनों बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। भाई मेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक है, चल अपन दोनों बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों भी दोस्ती कर लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी एक कार्बन को, ठीक है। हर तरफ ड्रॉ क्या करेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मज़ेदार है ना, जिसको समझ गया ना उसके लिए खूब मज़ेदार है, जिसको नहीं समझेगा वो रट्टे बैठेगा एक एक चीज़ को। जिसको ये ओरिजिन समझ गया उसको मैं आप कोई भी मॉलिक्यूल दे दूँगी ना आप तुरंत निकाल लूँगी। देखो इधर, ये तो हुए क्लोरीन के। अब कार्बन भी अपने देगा, कार्बन ने अपना यहाँ एक दिया, यहाँ एक,
यहाँ एक, यहाँ एक, ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया ये CCl4 टाइप का मॉलिक्यूल। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। तो जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ की जड़ तो बता दी है, अब आप सारे मॉलिक्यूल्स ट्राई कर सकते हो। आप नेट पे से गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, कुछ मॉलिक्यूल्स निकालो, उनको भी लेके ऐसे ही सॉल्व करो। ये आ गया है तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने सिखाया फ्रेंडशिप कैसे करेंगे, बॉन्ड कैसे बनेगा, अपने लैंग्वेज में समझो। केमिस्ट्री को आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट जाएगा, उसको अपने लैंग्वेज में कर लो तो देखो कितना आसान हो जाएगा। एक के पास अनपढ़ है, दूसरे के पास अनपढ़ है, दोनों ने एक दूसरे को दिया तो फ्रेंडशिप हो जाएगी ना, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही पढ़ने का, ठीक है। ये तो हुए सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर के। कुछ मल्टीपल बॉन्डिंग्स में भी आएंगे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, टेंशन मत लेना, मैं उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, वो भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आर चैनल एंड सब्सक्राइब टू इफ़ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट तो बनता ही है यार, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।